दोस्तों आप सभी और अपने इस प्योर ऑटोमोटिव चैनल की फेवरेट गाड़ी 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो ट्रू एसयूवी को एक बार फिर लॉन्च से पहले देखा गया है। दोस्तों महिंद्रा बहुत ज़्यादा बिजी होने के बाद भी कंटिन्यू अपनी स्कॉर्पियो की एक नई पीढ़ी पर काम कर रहा है। एसयूवी को इस साल लॉन्च किया जाना था बट बहुत सारे जेन्युइन रीजन जिनको आप सभी भी अच्छे से जानते होने के कारण इसकी लॉन्चिंग को अब नेक्स्ट ईयर तक टाल दिया गया है। घरेलू निर्माता अभी भी हमारी इंडियन सड़कों पर स्कॉर्पियो की टेस्टिंग कर रहा है और इसीलिए अब आपके सामने पेश है इस रियल एसयूवी का कुछ एक्सक्लूसिव नए स्पाइस शॉट्स है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लेजेंड भाइयों से गुजारिश करना चाहूँगा कि वीडियो को अभी के अभी लाइक कर हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और आज की वीडियो के लाइक का टारगेट हम 300 का रखते हैं। अब जल्दी से बैक टू द टॉपिक आकर बात करते हैं तो दोस्तों पहली नज़र में हम तुरंत देख सकते हैं कि स्कॉर्पियो कुछ अंतर से साइज में बढ़ गया है। इसके अलावा जो चीज़ 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो की रोड प्रेजेंस को बढ़ाती है वह है स्क्वेयर्ड ऑफ बॉडी पैनल। यह स्कॉर्पियो को एक प्रॉपर बुच एसयूवी लुक देता है। दोस्तों पता नहीं तो मुझे ही ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे न्यू स्कॉर्पियो की लॉन्चिंग करीब आती जा रही है वैसे वैसे गाड़ी की लुक और ज़्यादा बेहतर और मस्कुलर होती जा रही है। फ्रंट में हमें ड्यूल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट मिलने वाले हैं। इसमें महिंद्रा का 6-लेट ग्रिल है जो मौजूदा ग्रिल से बड़ा लग रहा है। एयर डैम भी काफ़ी बड़ा है और ऐसा लग रहा है कि सामने की तरफ फॉग स्किड प्लेट भी है। हम यहां पर प्रोजेक्टर फॉग लैंप भी देख सकते हैं जो एलईडी यूनिट के साथ आने वाले हैं। इसके अलावा फ्लैट बोनट है और व्हील आर्च बड़े हैं। महिंद्रा 17 इंच के अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल करेगी। नए अलॉय व्हील्स को 245/65 रबर में लपेटा जाएगा। जब तुलना की जाएगी तो नए टायर अधिक चौड़े होते हैं क्योंकि करंट स्कॉर्पियो 235/65 टायर का उपयोग करती है। हम साइड स्टेप भी देख सकते हैं जो सवारियों को एसयूवी से अंदर और बाहर निकलने में मदद करेंगे। पीछे की तरफ साइड हिंगे टेलगेट और एलईडी टेल लैंप्स हैं। दरवाजे के हैंडल का उपयोग करके टेलगेट को अभी भी खोला जाएगा। साथ ही वाशर के साथ रियर वाइपर और हाई माउंट स्टॉप लैंप है। हम एक शार्क फिन एंटीना और रूफ रेल्स को भी देख सकते हैं। इंजन दोस्तों परफॉर्मेंस के लिए तो मेनली स्कॉर्पियो जाने ही जाती है और अब तो वैसे भी महिंद्रा स्कॉर्पियो को भी पेट्रोल और डीजल इंजनों के साथ पेश करेगी। पेट्रोल इंजन 2.0 लीटर यूनिट होगा जबकि डीजल 2.2 लीटर यूनिट होगा। हम इन इंजनों को थार और XUV700 में पहले ही देख चुके हैं हालांकि ये ट्यून की एक अलग स्थिति में होंगे। डीजल इंजन को लगभग 155 पीएच की मैक्सिमम पावर देनी चाहिए जबकि पेट्रोल इंजन को अधिकतम 180 पीएच की पावर देनी चाहिए। टॉर्क आउटपुट अभी भी ज्ञात नहीं है। महिंद्रा लो वेरिएंट के साथ डीजल इंजन का एक अलग वर्जन भी पेश कर सकती है। दोनों इंजनों को 6-स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा। हाई वैनिटी भी कम रेंज गियरबॉक्स के साथ प्रॉपर 4x4 सिस्टम के साथ आएगा। यह स्कॉर्पियो को अपने सेगमेंट में सबसे यूनिक बना देगा क्योंकि यह एकमात्र एसयूवी होगी जिसे थार को छोड़कर प्रॉपर 4x4 ड्राइव ट्रेन मिलता है। इंटीरियर दोस्तों महिंद्रा ने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए स्पेशल अटेंशन दिया है। स्पाइस शॉट से हम जानते हैं कि स्कॉर्पियो की नई जनरेशन एक ब्राउन और ब्लैक कलर थीम का यूज करेगी। हाई वैनिटी में लेदर अपोल्स्ट्री भी मिलेगी। यह एक नेट टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आएगा जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है और इसमें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा जिसमें मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगा जो थार पर मिलने वाला जैसा दिखता है। और जो सबसे अच्छी बात है कि स्कॉर्पियो में अब सनरूफ भी ऑफर करने वाली है हमें कंपनी। प्लेटफॉर्म दोस्तों स्कॉर्पियो अभी भी लैडर फ्रेम चेसिस का यूज करेगी हालांकि इस पर फिर से काम किया जाएगा और इसमें सुधार किया जाएगा जिससे राइड क्वालिटी और हैंडलिंग मौजूदा स्कॉर्पियो से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप आज की वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो सबसे पहले आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। अगर आपको आज की वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक के साथ एक शेयर जरूर करें और अगर आपका कोई भी सवाल हो न्यू अपकमिंग स्कॉर्पियो से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।